नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम ट्विटर इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो एक रुपए का शेयर है ये, इसमें प्लेज परसेंटेज 27.3% है। अब स्टॉक को क्या यहाँ पर होल्ड करें, सेल करें, बाय करें, ये क्वेश्चन एक हमारे मित्र है उन्होंने पूछा था। तो अगर आप भी हमारे मित्र बनना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, ठीक है। डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है, कॉमेंट करके कि बेकार वीडियो घटिया वीडियो है, जो आपको अच्छा लगता है मन की भड़ास निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अंत तक वीडियो देखना, कंप्लीट स्टोरी आपको समझाऊंगा स्टॉक में क्या करना है। एकदम नया स्टॉक है, मैंने आज तक कभी स्टॉक की और बात नहीं करी है, ठीक है। तो एकदम फ्रेश स्टॉक है, तो यहाँ पर प्रॉपर एक आपको गाइडेंस देने वाला हूँ। अगर स्टॉक यहाँ से नीचे गिरता क्या करना है, ऊपर जाता तो क्या करना है, तो अंत तक बने रहना, ठीक है। और ये प्योरली मेरा टेक्निकल जो फंडा एनालिसिस होता है, फंडा मतलब टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस होता है, उन दोनों को मैं जोड़ के कंबाइन करके बहुत अच्छा एक रिजल्ट दिखाऊंगा आपको। तो उसके बेसिस में ये पूरा हम डिसीजन मेक करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखो, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टॉक का नाम देखो, ये रहा, ऊपर दिख रहा होगा आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे वॉरेन बफेट जी बोलते हैं कि मैं बिजनेसेस को बाय करता हूँ, ठीक है यार। देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। अब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हमें भी हो चुका है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। आपको कोई भी व्यक्ति अपना रियल चीज कभी नहीं बताता है, ठीक है। हो सकता है वो वॉरेन बफेट जी है, वो उनकी जो बायोग्राफी लिखी जाएगी, संबंध जो भी लिखेगा मुझे नहीं पता, और रियल में जो लिखेगा तो वो डेफिनेटली वहां पर रिवील ये भी करेंगे कि कुछ चीजें शायद ये भी हो सकती थी कि मैं बिजनेसेस को तो बाय करता था, ठीक है, लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट पेनी स्टॉक को बाय करता था, ठीक है। कोका कोला हो या दूसरी जो कंपनीज हो, वो उन्होंने तब बाय करी थी जब वो पेनी स्टॉक से, ठीक है। अगर आप आज कोका कोला या एप्पल को बाय करने जाओगे, वो आज आपको $1 के नीचे नहीं मिलेंगे, आपको $2 में नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो आपको 150, 200, 400, 500 USD में मिलेंगे, मतलब डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब प्राइस बहुत ज्यादा मिलेगा। तो अब मैं बोलूँ विवेक, मैं समझ रहा हूँ अपने आपको वॉरेन बफेट, उनके अपने उनके शूज में जाने का प्रयास कर रहा हूँ अगर मैं जा पाया, ठीक है। तो मैं अगर बात करता हूँ, मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, ज्यादा मेरे पे मतलब मैं रिस्क नहीं ले सकता, ज्यादा मेरा माइंड खुला भी नहीं है क्योंकि मेरे पास इतने लोग नहीं है, ठीक है, लोगों का एक्सेस नहीं है। जो भैया बहुत ओपन माइंडेड हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, ऐसा कोई नहीं है मेरे हमारे यहाँ, है ना, मतलब आस पड़ोस में सब ऐसे है, चिलम चिलम समझते ना, बस समझ जाओ। तो ऐसे मैं उसमें रहता हूँ और ज्यादा कुछ अर्निंग भी खास नहीं है, ठीक है। तो मैं अब ऐसा क्या फॉर्मूला बनाऊंगा, ठीक है, कि मुझे, क्योंकि मुझे मेरा जो पहला काम होगा मार्केट में, मुझे अपना लॉस कम करना है। क्योंकि मैं लॉस कम करने की बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उस पीरियड से गुजर चुका हूँ जहां लॉस मुझे हो चुका ऑलरेडी, और ये लॉस सबको होता है, और आपकी अर्निंग लिमिटेड है, ठीक है, और आपको लिमिटेड पैसा स्टॉक मार्केट में डालना है, ठीक है। 100 रुपये हो सकता है, 200 रुपये हो सकता है, $200 हो सकता है, ठीक है, या 12,000 रुपये हो सकता है, लिमिटेड कैश है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा प्लान यही हमेशा ये रहेगा, मैं कोई एक ऐसा फॉर्मूला बनाऊं, ठीक है, जो बिजनेस के बियॉन्ड जाते हुए, बिजनेस मुझे समझ नहीं होगा उस समय, ठीक है, जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूं मुझे समझ आ उसकी बिजनेस के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा, सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल है कि मैं अपना लॉस कम करने की सोचूंगा हमेशा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी लॉस हो चुका है, ठीक है, और 80-90% लोगों को लॉस होता है, ठीक है, जो लोग कहते नहीं होता, होता है भाई, लॉस के बिना तो काम चलता ही नहीं है यहाँ पर। उसके बाद लॉस कम करने के बाद, जब लॉस कम हो जाएगा, मैंने एक ऐसा सेटअप बना लिया जब मेरा लॉस कम हो जाएगा, उस सेटअप को बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। और हर व्यक्ति मनी मैनेजमेंट नहीं फॉलो करता स्टॉक मार्केट शुरू के 2-3 साल, अगर आपने कर लिया तो आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो ग्रीड में इतना घिरा हुआ रहता है ना, और वो कभी सोच ही नहीं पाता मनी मैनेजमेंट क्या है, बिलीव मी, वो सोच नहीं पाता। और उसके थोड़ा सा आगे मैं जब जाता हूँ, एक लेयर आगे जाता हूँ, ठीक है, उसको बोलते हैं लॉस, जिसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस मतलब अपना लॉस को काटो, ठीक है। बहुत लोग सिर्फ स्टॉक में एंट्री करना जानते हैं, वो 100 रुपए के शेयर को बाय करना जानते हैं, उनको पता है 200 जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता मार्केट अगर ऑल ऑफ सडन नीचे की तरफ चले गई, उस प्राइस जो भी स्टॉक था उसका मालिक चोर निकला, ठीक है, उसमें जिस इन्वेस्टर ने पैसा डाला था उसने अपने हाथ खींच लिए, तो वो 100 रुपए का शेयर अचानक से 10 रुपए भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन मार्केट आपको मौके देगी 100 बार निकलने के, आपको बोलेगी बेटा निकल जा, सच्चाई बता रहा हूं, मार्केट आपको मौके देती है एग्जिट करने के, लेकिन हम
क्या होता है, ग्रीड में घुसे रहते हैं, ठीक है, तो हम कभी सोचते नहीं उस बारे में कि भैया नीचे कितना जा सकता है, हम सोचते ही नहीं है, ठीक है। तो यहां 100 रुपये में अगर आपने बाय किया तो मैक्स 80 या 90 रुपये में आप अपना स्टॉप लॉस लगा लो। अगर आपको लॉस होगा तो आपका 10% जाएगा या 5% जाएगा या 20% जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें प्लान करने के बाद, मतलब एक मिडिल क्लास के बारे में बता रहा हूँ आपको, अगर वॉरेन बफेट बनना चाहता है बड़ा, ठीक है, जैसे आप बोले वॉरेन बफेट बन गए तो एक दिन में नहीं बने, ठीक है, उनके पास अगर यही चीजें होती जो मैं आपको अपनी बता रहा हूँ तो वो कैसे सोचते, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो उसके बाद आप रियल गेम स्टार्ट होता है, वो रियल गेम क्या है उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। हाँ आई नो, बहुत लोग बोलेंगे यार टेक्निकल चीज काम नहीं करती है, लेकिन अब बहुत सारे लोगों की ना कैटेगराइज कर लो। हाँ मानता हूँ वॉरेन बफेट शायद बिजनेस का जो होता है ना ईयरली रिपोर्ट आती है उनको पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं हाँ टेक्निकल एनालिसिस में मैं चार्ट्स को पढ़ता हूँ, तो फर्क थोड़ा सा अलग है। वो रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं क्योंकि उनको पढ़ना पसंद है, और मुझे सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना पसंद है, टेक्निकल चार्ट को पढ़ना पसंद है। तो सिमिलैरिटी है, दोनों अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ चीज में, वो बिजनेस को पकड़ते थे, हम टेक्निकल चार्ट को पकड़ते हैं। तो मैं अपना बता दूं, मैंने टेक्निकल चार्ट क्यों रीड करना पसंद किया, क्योंकि मुझे पसंद आ गया टेक्निकल चार्ट, ठीक है, उनको बुक से प्यार हो गया, हमें टेक्निकल चार्ट से प्यार हो गया। तो हम आपको अब अपने यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आपको अपनी वो चीजें ढूंढनी है, एज ढूंढनी है, उनकी एज थी कि वो बिजनेस के पूरा जो ईयरली रिपोर्ट है जो हर साल आती है उसको पढ़ते थे, वो तो आपके पास एज होगी नहीं, भूल जाओ, बहुत कम लोग होते हैं 10 में से मात्र एक भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है, नहीं होता कोई जो पढ़ता है, ठीक है, सबको पता है कि वो पढ़ते थे, लेकिन आप लोग वो नहीं पढ़ने वाले, गारंटी बता रहा हूँ, ठीक है, पढ़ते हो तो बहुत बढ़िया, जो नहीं पढ़ता नहीं पढ़ता, साफ बोलो मैं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने अपनी एजुकेशन जो मैं पढ़ नहीं सकता था मैंने छोड़ दिया उसको, मैंने क्या देखा कि मैं टेक्निकल चार्ट को अच्छा पढ़ता हूँ, मुझे मजा आता पढ़ने में, मैं उसमें 5-4 घंटे दे सकता हूँ अपना, लेकिन मैं रीड करने में नहीं दे सकता। तो मैंने क्या करा, टेक्निकल चार्ट पे अपना पैसा टाइम इन्वेस्ट करना, एनर्जी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। जब वो सब चीजें वहां जाके मिली तो हमें अंत में कुछ पैटर्न नजर आने लगे, जो पैटर्न शायद उनको उनके बिजनेस को रीड करने में आते थे, समझ रहे हो, कुछ वर्डिंग होती है बिजनेस की जो एनुअल रिपोर्ट होती है, ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि भाई सब बिजनेसेस में सब बातें एक जैसी बोली जा रही है और एक ही पैटर्न में बोली जा रही है, तो मतलब वो बिजनेस अच्छा करेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें टेक्निकल से मुझे समझ आ गई कि बहुत सारी चीज सेम वे में हो रही है, सेम वे में हो रही है, सेम वे में, और यही पैटर्न दूसरे स्टॉक में बना था तो वो भैया बूम हो गया, रॉकेट हो गया, अब ये पैटर्न स्टॉक में बना है तो लेके देखते, जब मैंने लेके देखा तो उसमें रिजल्ट मिला। ऐसी ये पैटर्न अगर आपको किसी दूसरे स्टॉक में मिलता है, या फिर ये बोल सकते हो एज बोलते ना, एज वो अगर आपको मिलना स्टार्ट हो गई तो आप उसी को कॉपी पेस्ट करो दूसरे स्टॉक्स में, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, वॉरेन बफेट हो या कोई भी हो, हमेशा उसका जो पहला काम होगा, धर्म होगा, वो लॉस को कम करना स्टॉक मार्केट में, उसके बाद वो लेयर्स को खोलते चले जाता है कि स्टॉप लॉस कितना है, ठीक है, ग्रीड को कंट्रोल करना है, मनी मैनेजमेंट सब कुछ वगैरह वगैरह, ठीक है, फिर वो स्टॉक सिलेक्शन करता है, लेकिन मेन क्या है, लॉस को कम करने हमारा प्रथम गोल है यहाँ पर। लॉस को जिसने कम कर लिया उसने 90% विनिंग जीत ली, जीत जीत ली, ठीक है। इवन आप किसी भी शूज में हो, आप वॉरेन बफेट के शूज में हो या फिर आप मिडिल क्लास लोअर क्लास जिसके भी शूज में हो, आप गरीब से गरीब ही हो, अगर आपने लॉस को कम करना सीख लिया, उसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट, कि आपको पता है कि आपका पैटर्न स्टॉक बन रहा है और आप अपने ऊपर काबू है आपको कि भैया मैं इसमें अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं यार 1 लाख डाल दूंगा, कल तक मैं डाला था 500 रुपए और मैं अचानक से 1 लाख रुपए डाल दूंगा स्टॉक में जिसमें वही पैटर्न से मैंने 500 को मल्टीप्लाई किया, नहीं, आपको अपने, मैंने बोला ना, मनी मैनेजमेंट के रूप में रखना है। अगर वॉरेन बफेट जी भी ने भी अगर बिजनेस बड़ा किया, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तो 100 बिजनेसेस उन्होंने पहले चूज करे होंगे, 100 में से 10 फेल हो 10 सक्सेस हुए होंगे जिसमें उन्होंने छोटा छोटा पैसा लगाया होगा। अब वो बातें छोटे छोटे, देखो होता क्या ना, छोटा प्रॉफिट के बारे में कोई बात नहीं करता, बड़े प्रॉफिट का सब बात करते हैं। अब 100 में से उनके बहुत सारे स्टॉक नहीं चले, उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा, बात तो उन्हीं के बारे में होगी ना जिसमें उनको प्रॉफिट मिला है, वो ये कोका कोला कंपनी इतनी बड़ी बन गई, एप्पल इतनी बड़ी बन गई, लेकिन 100 कंपनी जो उन्होंने चूज करी होगी, जो उन्होंने रिजेक्ट करी होगी, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि वॉरेन बफेट खुद बात नहीं करते, समझ गए, क्योंकि सब अपने सक्सेस की ही बात करते हैं, ठीक है, एप्पल ले लिया मैंने, कोका कोला ले लिया, ऐसे करके कोई अपने उसकी बात नहीं करेगा कि भैया मैंने ये स्टॉक में सेलेक्ट किया था वो जीरो हो गया, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। तो समझो बात को, मैं ये समझाना चाहता हूँ, सार यही है, कुछ भी करो मार्केट में छोटे लेवल में करो, स्टॉप लॉस के साथ करो, मनी मैनेजमेंट के साथ करो, जब प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए तो ग्राउंडेड रहो और साथ में रिस्क मैनेजमेंट को भूलो मत,
कि भैया 500 रुपए लगाता था, 1 लाख रुपए लगाऊंगा अगली बार, नहीं 500 रुपए ही लगाओ और 500 रुपए को धीरे धीरे करके इंक्रीज करो बाय परसेंटेज के रेशियो में, ठीक है। अगर 500 को बढ़ाना है तो 10% बढ़ा लो, 500 का 10% कितना होता है 550 रुपए, फिर 550 का 10% निकाल लो, ऐसे करके बढ़ा लो। ऐसा नहीं है अचानक से 500 से 1 लाख रुपए लगा दूं, अगर 500 से 1 लाख रुपए लगाओ तो कितना परसेंटेज का गैप होगा, आप उसको फिर आप मैनेज नहीं कर पाओगे उतने बड़े कैपिटल को, यही बताने का सार था। तो ये जो स्टॉक है पता नहीं आप लोगों को समझ आ रही है, आ रहा है नहीं आ रहा भगवान जाने, मतलब मुझे तो समझ आ रही चीजें तो मैंने बतला दी। ये स्टॉक इसमें क्या करना है आपको जल्दी जल्दी बता दूं, ये स्टॉक में आपको मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए अगर आपके पास है, ठीक है। बाकी आपको चार्ट दिखा देता हूँ एक बार, आप लोग खुद देख सकते हो ये स्टॉक यहाँ पर लगातार सपोर्ट एरिया है इसका, ठीक है। ये स्टॉक सपोर्ट एरिया के बाद आ चुका है तो इस प्राइस रेंज में स्टॉक को आप बाय कर सकते हो, मतलब 3 रुपए में स्टॉक को आप बाय कर सकते हो, 2 रुपए का आप ऐसे लगा सकते हो। तो मेरे हिसाब से 3 में बाय करो, 2 का स्टॉपलॉस लगाओ, और मेरे हिसाब से स्टॉक आपको ऐसे 4 से 5 रुपए का टारगेट दिखा सकता है, और क्या पता स्टॉक अपना हाई भी तोड़ दे जो मोटा मोटी 10 रुपए बनता है। तो 3 में बाय करो, 2 का स्टॉपलॉस लगाओ, डेफिनेटली स्टॉक आपको पैसा कमा के दे सकता है, यही मेरी गणित कहती है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, और जो चीजें बताइए उसको फॉलो करना, दोबारा सुन लो अगर सुनना चाहते हो, बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी बताई जो अनप्लान्ड होती है, लेकिन अगर मैं समझा पाया प्रेजेंटेशन सही से दे पाया, वैसे आज तक कभी दी नहीं है जिंदगी में, ना स्कूल में दी थी ना कभी कहीं दी थी, लेकिन चलो जितना आता है आता है, ठीक है। आपको मैंने बतला दिया, इसको आप मैनेज करो समझो, और जो चीजें बताइए ध्यान सुनना, सार बता देता हूँ। सबसे पहले अपने लॉस को कंट्रोल कर लो, ठीक है, अपने ग्रेड को कंट्रोल कर लो, ठीक है। लॉस को कंट्रोल कर लोगे तो ग्रेड खुद ही कंट्रोल हो जाएगा, और रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट वही है गेम है लॉस को मैनेज करने का, ठीक है। और अगर कभी भी आपको लग रहा है कि मुझे स्टॉक पर ट्रेड डन लग रहा है तो स्टॉप लॉस के साथ काम करो, विदाउट स्टॉप लॉस काम मत करो। 10-5% दे दो मार्केट को, 10-5% दोगे तभी 50% ले पाओगे कल, ठीक है। इसलिए इस बात को समझो आप।